जैन दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गाठे। गाठे अग्निशमन तो सबसे पहले अपने हैं थंब नोट। तो चलिए दोस्तों, थंब नोट कैसे लगाते हैं? ये अपनी रस्सी है, तो थंब नोट है ना, ये लो, ये अपनी हो गई थंब नोट। ये देखिए इसका प्रयोग क्यों करते हैं कि ये रस्सा उधड़े ना, उधड़ने। इससे एक बार फिर से देख लो दोस्तों, ऐसे करना है और ऐसे निकाल देना, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने फिगर ऑफ एट, जो कि फिगर ऑफ एट एक स्टॉपर के रूप में काम लिया जाता है ये गार्ड, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आना है रस्से को राउंड से पकड़ना है, एक हाफ पिच बनाना है, ऐसे हाफ पिच बनाने के बाद में एक राउंड इससे पीछे पीछे से लेके और इसके अंदर से डालना है इस लूप में से। फिर से देख लिए, हाफ पिच लगाना है, एक एक लूप बनाना है, उसके बाद में पीछे से लेना है, पीछे से लेके एक अंदर से निकाल देना है। यह बन गई अपनी फिगर रोप एट, ठीक है। इसके बाद में आती है अपनी रिप नोट। ये दो समान मोटाई के वाले रस्सों को जोड़ने के काम लिया जाता है इसको। इसको रिप नोट को डॉक्टरी गार्ड भी बोलते हैं, जो डॉक्टर अपने सिर की पट्टी में, कहाँ पर भी जो भी पट्टियाँ बनती है ना, उसके अंदर काम में लेता है डॉक्टर। तो सबसे पहले इसका दो तरीके से बांधी जाती है रिप नोट, लगाई जाती है। तो उसके अंदर एक तो लूप बनाना है, पहले लूप बनाने के बाद में इसके ऊपर से निकालेंगे, ऊपर से निकाल के इसको नीचे से है ना, यहाँ से निकालना है। ये बन गई अपनी हाफ रिप नोट, ठीक है दोस्तों। एक दूसरा तरीका और है इसके अंदर रिप नोट का, दूसरा तरीका है ये। ऐसे क्रॉस लेना है, ये वाली ऊपर है तो इसको राउंड नीचे से लेके और इस वाले भी रूप में भी है ना, ऊपर से ही निकालना है। ये देखो, ठीक है। इसके बाद में आती है अपनी कलोइज। कलोइज को खूटा घाट भी कहते हैं। ये आमतौर पर किसी चीज को काम लिया जाता है। तो एक कलोइज, एक अंदर एक बाहर की तरफ लूप लेना है और इन दोनों को बना जोड़ देना है एक तरह से। ये अपनी हो गई कलोइज, ठीक है। इसके बाद में आती है हाफ इंच। जो हाफ पिच है, ये रस्सी को, ठीक है। तो ये हाफ पिच हो गई, ये लो, ये अपनी हाफ पिच है, ठीक है। आप अपने लेते हैं अगली गार्ड, केट्सपा, जो कि डिलीवरी होज को किसी, मानो कि किसी बिल्डिंग में 3 या 4 चौथी मंजिल में आग लग रही है, तो वहाँ पे डिलीवरी होज पूछाना है ऊपर, तो वो कैसे पूछाएंगे? केट्सपा की गार्ड के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसे लेना है लूप का और इनको गोलाई में 2-3 राउंड लेने लगाने हैं। लगाने के बाद में इन दोनों को मिला देना है और यहाँ पर एक गाठ लगा देनी। और इसके अंदर दोनों लक्स डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आती है अपने बोलाइन। जो बोलाइन है, ये गार्ड कमर पे लगाई जाती है, जिससे कि रेस्क्यू कर रहा है फायरमैन बीयर शर्ट पहन के, तो ये वो धुएं वाली चैम्बर के अंदर जाता है, तो वो बोलाइन के थ्रू ही जाता है कि इसको जाने में आसानी हो। सबसे पहले ये लेना है, ये लेने के बाद में ऊपर से आना है, ये वाली ऊपर से निकालना है नीचे से, और फिर वाली इस वाली बड़ी वाली रस्सी के ऊपर नीचे से लेके ऊपर निकालना है, जो अपने हाथ के अंदर गोलाई थी उसको अंदर से डाल दे। ये अपनी हो गई गोलाई,
ठीक है, एक बार फिर से देख लो दोस्तों। ऐसे लेना है, इसको ऊपर से लेके नीचे निकालना है। नीचे निकालने के बाद में इसको ऊपर से लेके, ये लो, ये अब नहीं हो गई बोल रहा है। ठीक है, अब अपने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब चेन नोट है अपने। इस गार्ड का उपयोग, एक रेस्क्यू गार्ड है इसका, मान लो कि किसी दूसरी बिल्डिंग या तीसरी बिल्डिंग में घायल व्यक्ति हो जाता है, उसको नीचे ऊपर से नीचे उतारने के लिए किया जाता है इस गार्ड का उपयोग। तो सबसे पहले एक अंदर की तरफ लोप लेंगे और एक बाहर की तरफ। ये रस्सी, ये गार्ड रस्सी के बीचों बीच लगती है, ठीक है ना। इन दोनों को है ना आपस में निकाल लेना है। ये लो, एक छोटा बनाना है इसके अंदर एक लूप और एक बड़ा। इसको बनाने के बाद में इनके अपन लगाएंगे हाफ इंच, जिससे कि ये दोनों साइड हाफ इंच लगा दिया। ये हो गई अपनी। ठीक है ना, इसके बाद में आती है सिप सेक। ये किस काम आती है दोस्तों, कि मानो कि रस्सा खराब हो गया या टूट गया बीच के अंदर से, आधा टूट गया, खराब हो गया बीच के अंदर से, तो उसको है ना बिना काटे है ना कि अपन यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको है ना कि सिप सेक में, ये बीच के अंदर ये वाला रस्सा खराब हो रहा है सपोज करो, तो इसके अंदर अपन हाफ इंच लगाएंगे, एक एक हाफ इंच इधर और एक हाफ इंच उधर। ये लो, एक हाफ इंच इधर लगा दिए। अब है ना इसको अपन काम ले सकते हैं। ये हो गई सिप सेक, ठीक है ना। इसके अंदर हमने लास्ट ड्रोइ, जो एक सेल्फ रेस्क्यू गार्ड है, जो अपने फायर मैन वर्दी के अंदर दे रखी है ये गार्ड। तो ये गार्ड सबसे पहले एक लूप को अंदर लेना है, ये देखिए, और इस वाले लूप को इस वाले बार से निकालना है, और इस वाले रस्सी को है ना अंगूठे के अंदर फंसा लेना है एक बार, और फिर एक रस्सी को खींच देना है, ठीक है ना। ये हो गई अपनी ड्रोइ्स। क्या हो गई दोस्तों, ड्रोइ्स। एक बार फिर से देख लो दोबारा। इसके अंदर लेना है ऐसे लूप को, ठीक है ना, और फिर इस वाले लूप को है ना, इधर वाले लूप को है ना, रस्सी को इस वाले राउंड में से निकालना है, और फिर इस वाली रस्सी को इस वाले राउंड में से निकालना है, और फिर ये जो पिछला राउंड था ना उसको खींच लेना है, ठीक है ना। ये हो गई। अब इसको हम नीचे से उतार, इस वाली रस्सी से उतर जाएंगे, और इस वाली उतरते ही ना रस्सी नीचे से खींच के, और ये हो गई सेल्फ रेस्क्यू गार्ड है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।